हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने ये डिसाइड कर लिया कि 11th में आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज है कि आप साइंस में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, PCM करें या फिर PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको मैथ्स लेनी चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको बायो लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि PCM और PCB में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसके फ्यूचर स्कोप ज़्यादा अच्छे हैं और इनमें क्या क्या लिमिटेशन है। और दोस्तों, वीडियो क्लास में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे सेलेक्ट करना होता तो मैं कौन सा सेलेक्ट करता। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि PCM अगर आप लेते हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे, और अगर आप PCB लेते हैं तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और आपको वीडियो पसंद है तो इस लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज इसी तरह के लाते रहते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि आपको 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए, फिर आर्ट्स लेनी चाहिए, या फिर आप जानना चाहते हैं कि कौन से स्ट्रीम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो दोस्तों, ये सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना चुकी है। मैं उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि उसे मैथ लेनी चाहिए या फिर बायो होनी चाहिए। उनके मन में ये रहता है कि अगर मैंने अभी मैथ ले लिया और फिर मुझे बाद में जाके प्रॉब्लम हुई तो क्या करूँगा, या फिर अभी मैंने अगर बायो ले ली और बाद में मुझे जाके बायो में प्रॉब्लम हुई या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं पढ़ने में लग रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा। ऐसी तमाम बातें हमारे माइंड में आती है, सभी के साथ होता है, लगभग सभी लोगों के साथ ही होता है। लेकिन दोस्तों, इसीलिए हमें पहले से अच्छे से डिसाइड कर लेना है, खुद को थोड़ा समय दे के सोच लेना है कि हमें क्या लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप सही से सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि PCM यानी कि मैथ्स ग्रुप किन स्टूडेंट को लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ सब्जेक्ट पसंद है, जिन्हें मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, और आप ऐसा चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाएं, तो दोस्तों, और अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो दोस्तों, आपको आँख बंद करके PCM यानी कि मैथ ग्रुप ले लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हम मैथ लेते हैं ना, हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मैथ लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन रहेंगे। आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सभी दरवाजे खुले हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो कई सारे ज़रूरी नहीं कि आप मैथ लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग ही करनी है। आप अगर इंजीनियरिंग नहीं करें, इंजीनियर नहीं बने, तो आप कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, उसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी। पहली बात तो कई सारे जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इंटर में मैथ मांगते हैं, जैसे कि हो गया पायलट वगैरह में, हो गया इंडियन एयरफोर्स में, या फिर बैंक के PO वगैरह के लिए जब आप पे वैकेंसी डालते हैं तो उसमें आपको इंटर में मैथ मांगता है। दोस्तों, अगर आपका मैथ रहेगा तो आप सारे लगभग सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। कुछ पोस्ट है जिसमें मैथ की जगह बायो ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैक्सिमम पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, मैथ लेंगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एक और बात कि अगर आपको रटना पसंद नहीं है, आप चीज़ें भूल जाते हैं, तो दोस्तों, आपके लिए मैथ तब भी बेटर है, क्योंकि मैथ में आपको रटने फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने चीज़ें समझ ली, बस कॉन्सेप्ट उसी पे लगता है, बस आपको ये करना होगा कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, तभी आपको सारी चीज़ें एकदम आपके फिंगर टिप पर रहेंगी और आपका 11th 12th बहुत अच्छे से जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत टफ़ हो जाएगा मैथ लेना, बहुत टफ़ हो जाएगा, लेकिन दोस्तों, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। मेरा खुद PCM था 11th में, तो दोस्तों 11th 12th में मेरा PCM था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप ये सोच के बिल्कुल मत घबराइए कि कहीं ज़्यादा टफ़ ना हो, हार्ड ना हो। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अभी तक मैथ अगर कर लिया तो दोस्तों, वो भी आपको इजीली हो जाएगा। इनफैक्ट आपको मज़ा आएगा 11th 12th के मैथ सॉल्व करने में। दोस्तों, आपका मैथ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप आँख बंद करके PCM सेलेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट को PCB यानी कि बायो ग्रुप लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, फिर मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस है करियर के, अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको PCB लेनी चाहिए यानी कि बायो ग्रुप लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर
बायो लेते हैं तो आप डॉक्टर ही बने। अगर डॉक्टर आप नहीं बन पाए तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग को लगता है कि बायो लेते हैं तो डॉक्टर ही बने, अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों उसके अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, आप बस अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन रहेंगे। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते तो दोस्तों उसके बाद आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, तो उसके लिए बस ये जरूरी है कि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। तो दोस्तों अगर आपका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है और मैथ आपको हार्ड लगता है, टफ लगता है, तो आप बायो ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको चीज़ें याद रह जाती है, क्योंकि बायो में समझना तो होता ही है, लेकिन कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। क्योंकि आप जाके अगर बायो लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप 12th पास करने के बाद आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे, तो दोस्तों उसमें बायो के 90 क्वेश्चन आते हैं 180 में से, मतलब 50% क्वेश्चन जो होते हैं बायो के होते हैं। तो उसमें आपको MCQs होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, तो आपको सारी चीज़ अगर याद देंगे तो आप आसानी से नीट को भी क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है तो आप बायो लीजिए। उसके अलावा अगर आप जैसे कि मेडिकल में MBBS, मेडिकल में भी दोस्तों कई कोर्स होते हैं, जैसे MBBS हो गया, जनरली हम लोग को MBBS के बारे में पता होता है, MBBS के अलावा BAMS होता है या फिर BUMS होता है, तो दोस्तों इन सब में भी आप अपना करियर बना सकते हैं। और दोस्तों इन सब में भी बहुत अच्छा करियर और बहुत ज़्यादा पैसा भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर बन के बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी तो दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अलावा नर्सिंग वगैरह के फील्ड में भी जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आप बायो लेते हैं और आपका नीट क्रैक नहीं होता, नीट में आप क्लियर नहीं होते, तो आपके पास करियर ऑप्शन नहीं बचेंगे। दोस्तों दुनिया भर के बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको मिलेंगे, बस आपका इंटरेस्ट मेडिकल फील्ड में है तो आप आँख बंद करके बायो को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप 11th 12th में यानी कि इंटर में आप बायो लेते हैं तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपने मेडिकल में या फिर आपका बाद में मूड चेंज हो गया कि आपको नहीं, आपको मेडिकल नहीं करना है, आपको कुछ और करना है, तो दोस्तों आप जनरल जैसे कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज वगैरह आते हैं आप उसमें भी एलिजिबल होंगे। एक आध दो ठों को अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम में उसमें यह फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका मैथ है या फिर बायो है, क्योंकि उसमें मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, बायो के भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब करेंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज होते हैं, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट से थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं। तो उससे बिल्कुल भी ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने इंटर में मैथ लिया था, बायो लिया था, क्योंकि एक ही सिलेबस मैथ वालों को पढ़ना होता है, बायो वालों को पढ़ना होता है, आर्ट्स कॉमर्स सबको एक ही सिलेबस पढ़ना होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव कर सकते हैं तो दोस्तों आप फिर भी आप बायो ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ भी बहुत पसंद है और बायो भी बहुत पसंद है, तो दोस्तों आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शन है, आप PCMB ले लीजिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। दोस्तों अगर आप ये ले लेते हैं तो आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे। जब तक आप इंटर करेंगे तब तक आपको समझ में आ जाएगी कि आपको मैथ के फील्ड में जाना है या फिर बायो के फील्ड में जाना है। तो दोस्तों अगर आप PCMB लेते हैं तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको इंटरेस्ट आगे लगेगा या फिर इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको 2 साल में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आपको मैथ से आगे बढ़ना है या फिर बायो से आगे बढ़ना है। अगर आप PCMB ले लेते हैं तो चाहे आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है या फिर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, कोई भी फील्ड में जानो, आपके लिए सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। आप इंटर पास करने के बाद आप खुद ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको आगे क्या करना है। लेकिन दोस्तों हाँ, एक और बात कि अगर आपको PCMB लेना है तो आप जिस स्कूल में एडमिशन ले जा रहे हैं आप पहले वहाँ पे पता कर लीजिए कि वहाँ पे PCMB का ऑप्शन है कि नहीं है, क्योंकि सारे स्कूल में ऐसे अवेलेबल नहीं होते। इसीलिए आप अगर पहले से पता कर लेंगे तो आपके पास, और अगर वहाँ पे नहीं होगा तो दूसरे स्कूल में भी आपके पास टाइम रहेगा करने के लिए। और अगर आपने नहीं करेंगे तो हो सकता है कि बाद में टाइम ना बचे या फिर सीट्स फुल हो जाए। तो दोस्तों अगर जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप पहले से जाके ये चीज़ें पता कर लें। एक और बात दोस्तों, अगर आप PCMB लेते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि मैथ और बायो दोनों ही काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। आपको इसमें दोनों में
इनफैक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ये चारों सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप PCMB ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ले लिया और अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो दोस्तों आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट में अच्छे करने होंगे तभी आपके मार्क्स आएंगे। आपने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ ली लेकिन आपने बायो नहीं पढ़ा तो बायो में मैथ्स मार्क्स आपके कम आएंगे, जिससे ओवरऑल आपकी परसेंटेज कम हो सकती है। इसलिए आप पहले सारी चीज़ें अच्छे से सोच लें कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और आपको दोनों में इंटरेस्ट है तो आप PCMB भी ले सकते हैं, जिसका आपको फ़ायदा ही है, नुकसान तो कुछ होगा नहीं। और वैसे भी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट ले हमें नुकसान नहीं होने वाला, उसका फ़ायदा ही मिलेगा। बस शर्त यह है कि हम जो भी पढ़े एकदम अच्छे से पढ़े, आप आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, जो भी पढ़े सारी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, करियर ऑप्शन की तो कमी है नहीं, क्योंकि आप कुछ भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सारे फील्ड में आपको स्कोप मिलेंगे। और एक और बात दोस्तों, कई लोग बोलेंगे आपसे, कई लोग सुने होंगे या फिर आपको भी ऐसा लगता होगा कि 11th में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, मोटी मोटी बुक्स होती हैं, तो आपको बहुत कैसे आप कर पाएंगे, आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जब 10th पास किए थे तो हम लोग को भी ऐसे ही लगता था कि यार कैसे इतनी मोटी मोटी बुक्स हम लोग पढ़ पाएंगे, इतनी ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर हो पाएगा। लेकिन दोस्तों हो जाता है, बस आप थोड़े बहुत नॉर्मली भी जैसे आप पढ़ते हैं वैसे भी पढ़ते रहेंगे तो आपकी एकदम अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। लेकिन हाँ, रेगुलरिटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ रहे फिर नहीं पढ़ रहे, रेगुलरिटी ज़रूरी है। भले आप 2-3 घंटे पढ़े लेकिन डेली पढ़े, आपकी सारी चीज़ एकदम अच्छे से हो जाएगी, मज़े में आप पढ़ भी लेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको जो भी सब्जेक्ट लेना एकदम अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद ही सिलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में, ताकि उन्हें भी इसका हेल्प मिल सके और उन्हें थोड़ी आसानी हो सके सब्जेक्ट को अपने सिलेक्ट करने में। और दोस्तों इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी वो होंगे कि आपको जैसे आप आर्ट्स लेते, कॉमर्स लेते, साइंस लेते, कुछ भी लेते हैं तो आपको ऑप्शनल में कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सके। और इस तरह की तमाम वीडियोज़ हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड आती रहती है, जिससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जैसे मैंने पहले ही बोला, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है दोस्तों उसे भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।